असल फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आइए अब हम नावल के सेकेंड लास्ट पार्ट की तरफ पढ़ते हैं मिशल ये अंडा लो लला ने बॉयल एग उसकी प्लेट पे डाला नहीं खाना मुझे उसने सर मैरिज से जवाब देकर हाली चाय पीनी शुरू कर दी अरे खाओ ये नाश्ता करने से दिन अच्छा जाता है लला ने शायद उसके अंदाज पर गौर नहीं किया हयाबी अपने नाश्ते में मगन थी नहीं ठीक है वो इनकार करके टेबल से ही उठ गए मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ बाबा से कहना मुझे काल काले हम लंच बाहर करेंगे वो मलाजमा से कहती लैला की तरफ देख के बगैर बाहर निकल गए इसे क्या हुआ लैला और हया ने एक दूसरे को देखा मीर कालिंग क्लास के दौरान उसका फोन कई बार जगमगाता रहा मगर वह इग्नोर करती रही ये काल उसे अब कभी नहीं उठानी वो तय कर चुके थे उसका दिमाग मऊफ हो रहा था और छठी ही खबरदार कार्य थी वरना मिशेल और उसे यूं तन्हा छोड़े कभी नहीं उसने फौरन टिकट कंफर्म की और एयरपोर्ट दौड़ा न जाने क्यों उसकी आंखों में पानी सा गया मिशेल उसका कुल असासा थी अब वो घर में किसी से भी सीधे बात नहीं कर रही थी हैदर होश था कि उसकी बेटी उसके साथ खड़ी है इस वक्त भी वो लोग खाने के टेबल पर जमा थे जब हैदर ने बम फोड़ा मैं मिशल को लेकर कैनेडा जा रहा हूं हमेशा के लिए ये आगे बही पड़ेगी हैं अम्मा समेत सबके मुंह खुल गए मगर तुम तो खुद हमेशा के लिए वापस आ गए थे याबा ने ताहमल से कहा हाँ मगर यहाँ दिल नहीं लग रहा और मिशल भी साथ जाना चाहती है वाकई मिशल सारा को हैरानी हुई यह क्या चक्कर है उसने दिल में सोचा मुझे फौरन मीट से रबा करना होगा वो खाने की टेबल छोड़कर गए मिशल इस सारी गुफ्तु के दौरान खामोश रही और मशरी लड़की की खामोशी उसका इकरार होती है लैला और मलूर सी तरफ देख रही थी जो झुकाए खाने में मगन थी जैसे वो सब उसके कुछ नहीं लगते सिर्फ बाप ही सब है मैं वापस आ रहा हूँ कुछ चाहिए मी ने मैसेज किया क्योंकि कई मैसेजेस वो इग्नोर कर चुकी थी मगर उसका जवाब उसके पास था क्या चाहिए मी ने दोबारा पूछा तलाक उसे फौरी जवाब दिया मी को सांस लेने में कुछ तकलीफ सी हुई फिजा में ऑक्सीजन कम हो रही थी गाड़ी रोको उससे ड्राइवर को रोका गारी शाह मोरम उसे रास्ते में ही था जब उसे सारा के काल मास मैं तुम लोगों की तरफ ही आ रहा हूँ क्या हुआ उसने उलझन से कहा हाँ मीर जल्दी आ जाओ हैदराबाई और मिशल अजीब हो रहे हैं हमेशा के लिए कैनेडा जाने की बातें कर रहे हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है घर में कोई बात हुई है मासी की उसे अपने अंदाजे सही लगे थे यही वजह थी मिशल के रवैये की नहीं आई स्वेट किसी ने कुछ नहीं कहा है जरूर कहा होगा अपनी बेटी से हम दर्दी से मेटी होगी और उसे तो आकर मैं देखता हूं आई बड़ी बाप की सगी बनने मीने चश्मे तस्वर में मिशल को होनी नज़र से देखा सारा ने सहम का काल कट कर दिए आज एक बार फिर शाह में जंग होनी थी गोलियां चलनी थी उसका दिल काम किया मुझे जावर पाई और भाभी बेगम से बात करना होगी वो जल्दी से उनके कमरे की तरफ दौड़े क्या कह रही हो सारा यावर बहन के पर थरा करा गया आप जानती थी वो पलट कर लैला का, का मशकूक नजर से देख रहे थे यहूद शाह के आलम में थे नहीं यावर खुदा गुआ है मैं बस मरी वाले वाक्य से बाहबर हूँ उसके अलावा उनकी मुलाकातों का मुझे कोई इलम नहीं याहुदा मैं हैदर को कैसे रोकूंगा अब वो कुर्सी पर रह गए सालों पहले उन्होंने खानदान को बिखने से बचाया था और आज फिर एक बार शेरा साहब बिखरने को था हैदर बाइक की पिस्टल छुपा दिया सारा खौफ ददा तो थी अम्मा की तबीयत नासाज है वफा का नया नया ससुराल है क्या करेंगे जावर अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो लैला सीने पर हाथ आकर बैठ गई जो करना है जल्दी करे मीर आ रहा है सारा के अगले इंकशाप पर वो दोनों फिर अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए वो क्यों आ रहा है यावर को तैश आया अपनी अमानत लेने सारा सर झुका गया यावर हैदर को लॉन्च में तलब कर चुके थे आने वाले तूफान से बचने के लिए बंद बांधा जरूरी था मिशेल और हया कमरों में थी सिर्फ घर के बड़े मौजूद थे हावर और सारा लाला के पीछे सर झुकाई खड़े थे आज पीर है भाई की इज्जत का जनाजा निकलने वाला था उससे पहले के यावर बात का आगाज करते मीर आंधी तूफान की तरह उनके घर आया था और हैदा के आगे किसी चट्टान की तरह डट के खड़ा हो गया उसकी आंखों से आग निकल रहे थे क्यों आए हो यहाँ क्या चाहिए अब हैदर जोर से चलाया मिचल और हया नीचे आवाजों का सुनकर अपने बड़े कमरों निकल आये मगर नीचे मी को पाकर मिशा गुस्से मुँह फेंका से कांधा मिलाकर जा खड़े हुए वह बाप के साथ आंसू से तार चिड़ा लिए मी को नफरत की निगाहों से देखे दिए दे। दफा हो जाओ यहाँ से हैदर पूरी कुबर से धारा मी जवाब दिए बगैर मीचा का हाथ सती से खेच कर अपनी तरफ किया लाउंज में मजदूर सारे लोगों के मुँह खुल गया हाथ छोड़ो मेरी बेटी का हैद उसकी हरकत पर खोल कर आ गया ये आपकी बेटी बाप में पहले मेरी बीवी है मीर की आवाज में कोई धमाका हुआ था और लैला ने अम्मा को संभाला जो उनके कांधे से आ लगे थे लेके जा रहा उसे कोई रोस आता है तो रोक ले मीर उसका हाथ मजबूती से थाम कर आगे बढ़ा और हैदर के उड़ते हुए हाथ को यावर ने हवा में थाम लिया यह वक्त इस चीज का नहीं था उन्हें भाई को बास रखा उन्होंने देर काट दी थी मीर के आगे आप कुछ नहीं किया जा सकता था छोड़े मुझे मिशेलान में रोते हुए उसे अपना हाथ छुड़वा रही थी मर्द के हाथ में इतनी गिफ्ट तो होनी चाहिए कि वो अपनी मन पसंद औरत का हाथ सारे के सामने दलरी से थाम सके चुपचाप चलो मेरे साथ आई समझ वो पलट उस पर घुराया और गाड़ी में धकेल दिया कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या तमाशा हुआ है मेरे पीछे किसकी इतनी हिम्मत है मेरी बेटी का नकार उसके साथ करने की खुद आपकी अपनी बेटी की सारा चुप ना रह सकी लाला ने उसे रोका मगर वो हैदर के मुकाबले आ खड़ी हुई मिशल ने ये नका अपनी मर्जी से मीर से किया और हम सब से छुपकर किया है ना हमारी कोई गलती ना मीर की सारा कसूर मिशेल का है वो गुस्से से लाल पीली हो रही इस बार वो मीर के साथ कोई ज्यादा नहीं होने देगी बस पहले बाबे की वजह से आपने उससे घर बदर किया मगर आपकी बेटी ही उसे घर वापस ले आई आप क्या करेंगे आप सारा ने सिले बांध दिए अगर मीशा को बाप चाहिए तो उसे मीर को छोड़ना होगा वो सब को गुस्से से एक नजर देखकर अपने कमरे की तरफ चल पड़े वो सारे रास्ते मजामत करती रही मगर मीर उसे मजबूती से थामे एक से कार चलाता रहा उसकी किसी दम की आंसू चीहो पका पर तवज्जो दिए बिना कोई उसे इस इसलिए देखता तो पत्थर सालम कहता मगर मीर हातम शाह के अंदर सिर्फ एक जज्बा था खौफ उसने माँ बाप खोए थे उसने नाच को तो खोया था उसने अपनी मोहब्बत करने वाले रिश्ते खोए थे और अब उसकी दुनिया लूटी जा रही थी उसके लिए यह नकबले बर्दाश्त था गाड़ी घर -गार के दरवाजे पर रुकते ही उसके मुलाजम आगे बढ़े उसने मिशा को गाड़ी से तकरीबन खींचा और खींचता हुआ ही घर के अंदर पहुंचा पीछे मीर की मुलाजमा मिशा का दुपट्टा लेकर आ रही थी उसने लांच में आकर तकरीबन मिशा को सोफे पर पठा मिशा कढ़ा कर आगे गए दम सादे खड़े थे मीर उसके सामने बैठ गया उसके दिमाग की रगियत तनी हुई थी मिशा ने नफरत से उसकी तरफ देखा जो उससे ही बेड़ रहम नजर से देख रहा था क्यों लाए हैं मुझे यहाँ इस तरह वो चीहे मी ने कोई जवाब ना दिया उठकर खड़ा हो गया मुलाजमी लाउ से बाहर निकल गए उसके खड़े होते ही मीछा उस पर लपकी मी कलर खेच कर उसके सामने आई मेरे स्वभाग का जवाब दे क्यों लाए हैं मुझे यहाँ क्या समय थी आप बहुत को घुंडे हैं आप? आपकी जागीर हूं मैं हिम्मत कैसे हुई आपकी मुझे मेरे बाप के घर से इस तरह लाने की होते कौन है आप वो पूरी कुवत से चला रहे थे मी ने इनताइ मैथ से अपना कलर उसे चबाया तुम्हारा शोहर होता मिशल बीबी उसका लहजा सर था मिशो को वह सर्दी से अपनी रीढ़ की हड्डी में उतरती में हुई महसूस हुई मीनिया के चेहरा पकड़ा और आज के बाद कोशिश करना कि इस रिश्ते की याद दहानी ना करवानी पड़े वरना मीर हाथम शाह तुम्हारा वो हशक करेगा मीर मिशल हैदर के फिर कभी अपने बाप का नाम नहीं ले सकोगे मेरा गया इसी घर में इसी सोफे पर बैठकर नकार नामे पर दस्तक किए थे ना जबरदस्ती नहीं लाया था अपनी मर्जी से आई थी तुम और अब कुछ भी कर लो कुछ भी लो रहोगे तुम यही मीशा सांस रोके मीर को देख रही थी उसके लहजे की सर्दी उसके लफ्सों के तपश मीशो को लगा वो कोई हवाब देख रही है कोई भयानक हवाब उसने इस घर में आने के मीर के साथ रहने के बहुत हवाब देखे थे मगर ऐसी तबीर नहीं सोचे थे वो अपनी बात कहकर रुका नहीं लाउंज से बाहर निकल गया मीशो उसके जाते सोफे पर डह गए इतनी आसानी से तो तुम्हें जीते नहीं दूंगी मीर मैं तुम कातल हो मेरी माँ के मेरे बाप के मुजरम हो तुम्हारी वजह से हमारा घर टूटा मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी वो भी हूं थी हैदर की बेटी थी जो हूं मीर का था वही उसका था जीत और हर दर तो यहाँ भी बराबर थी वो कैसे हार मान जाती दो आंसू उसकी आंख से बहे वो सोफे से उठी और सीढ़िया चढ़ते हुए मीर के कमरे में चली गई वो जिस वक्त घर पहुंचा अंधेरा छाया हुआ था वो घर से निकलते ही गया था और इस वक्त दोबारा तो पीछे का नहीं देखना। उसके सारा उल्स आए हुए थे मगर वो किसी से बात करना नहीं चाहता था इस तमाम उलझन में भी दुर्दमा पर वो छाई हुई थी उसने घर में दाहल होते ही मुलाजमा को आवाज लगाई जी साहब बीबी के दर है वो जी वो तो कमरे में है आपके मीने कुछ सोते हुए हंकार पड़े कुछ खाया उन्होंने नहीं जी वो तो जब से अंदर ही है मैंने कई बार दरवाजा भी बजाया मगर कोई जवाब नहीं आया मी की परेशानी पर बल पड़े तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया मी को अंदेशू ने जगड़ा इस जज्बाती लड़की से चूंबी कुछ बयात नहीं थे वो जी वो मुलाजमा हिंचाई मी तेजी जीने की तरह भागा रूम लॉक था उसे चाबी निकालकर दरवाजा खोला कमरे में नीम तारी की थी वह बिस्तर पर हाथ पर चेहरा टका आंखें बांध किए पड़े थे मी का दिल जोर जोर से आगे बढ़ा करीब पहुंच कर उसके चेहरे पर झुका अचानक मिशल की आंख खुली क्या कर रहे हैं कुछ नहीं बस देख रहा था कि के... के, के, मैं मार तो नहीं गई वो साथ लाजिम में मुखातब थे कुछ और आता है बकवास करने के अलावा मी ने उसे घूरा नहीं मगर आपको जरूर आता होगा लोगों को मारना बर्बाद करना जबरदस्ती करना और चुप बिल्कुल चुप मीन उसके मुंह पर हाथ रखा मुंह तोड़ दूंगा अब एक और लफ्ज बोला तो तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने ने उसके हाथ पर छोड़ किया मीन ने हाथ हटा लिया जानवर मिश्र कढ़ाए तुम्हारा शोहर मीन उस पर झुकते हुए जासपीत से कहा हटे मीर मिश्र ने उसके सीने पर हाथ मारकर उसे रोकना चाह तुम जानती हो तुम्हारी ये महनी सी कलाइया मेरा कुछ नहीं सकती क्यों थक रही हो मीर प्लीज हटे वो फौरन सारी जिद भूल के मीर का वजूद उस पर गालब बारा था बाहर अंधेरा बार रहा था और मीर अपनी हदूद से आ गया मीशा की सारी मजामत बेकार गई उसने पूरा हक वसूल किया था और इस वक्त मज़े से सो रहा था वो अपना थकन से चूर वजूद लिए जमीन पर घुटू में सर देकर बैठी रही उसे अपना आप अजीब लगा था वजह से वो नहीं रहे थे उसे खुद से मीर की महकारी थी शब्बे गुजर चुके थे वो सारी रात सिसकती रही थी सुबह जब वो नहाकर बाहर आया मिशल अलमारी के आगे खड़ दिए जदीद तराश, हराश के महंगे बोती के ड्रेसेस उसकी नसों के सामने लटके हुए थे थे ये सब तुम्हारे लिए लाकर रखे थे। जो अच्छा लगे पहनो उसके आवाज पर पलटी हरे रंग का सूट जो अब आलो था आंखें रोई रोई सोई सोई सी बिल्कुल न डाल सी मिशल मी को उस पर तरस आया मिर्चल वो उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ मिर्शल उसने उसको कांधे से थाम कर अपने सामने किया मुझे देखो उसने नजरें उठा दी मी को उस वक्त वो कोई चाबी की गुड़िया लगी थी उसकी मर्जी के मुताबिक चल रही थी उसने मीर की नजरें खुद पर महसूस की तो अपनी नजरें चुका गए मीर बिना कुछ कहे उसके सामने सड़ गया और दोबारा आईने के आगे खड़ा होकर बाल बनाने लगा मीशर ने कुछ कहे बिना नीले रंग का सूट निकाला और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया वो काफी देर तक नाश्ते की टेबल पर उसका इंतजार करता रहा कई बार मुलाजम भी उसे बुलाने गई थी मगर वो नीचे नहीं आई मीर ने मुलाजमा से नाश्ता ऊपर लाने का कहा और खुद भी कमरे में चलाया वो शीशे के आगे खड़े बाल सुलझा रही थी जब उसने मीर को देखा सफेद शर्ट पहने जींस में चेहरे पर बदशासत लिए वो जांच पे नजर लग रहा था मिशा का दिल अजीब तरह से दरका उसे रात याद और उसी वक्त मीर को भी रात याद आई थी वो दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा गए तभी मुलाजमा ट्रेल लिए भी अंदर डाल हुई आओ नाश्ता करें उसने प्यार से मीचर से कहकर मुलाजमा को बाहर जाने का इशारा किया नहीं करना मुझे नाश्ता वह चिटह कर बोले जो आपको चाहिए था वो मिल गया ना अब ये प्यार मोहब्बत की ड्रामेबाजी बंद करें वो बकायदा चीह रहे थे चिटा एक जनातेदार थप्पड़ लगने से वो तेवरा कर पैर पर गिरे थे मी का दिमाग खोल गया था ये लड़की होती कौन है मेरी मोहब्बत को गाली देने वाली वो नाश्ते की ट्रे कहीं पर छोकर कमरे से बाहर निकल गया और मिशेल हाथ का पर रखे बेयकीनी से उसे जाता हुआ देख रही थी जो सर था पा मोहब्बत था उसके लिए और आज वह बिलक बिलक का रो वो क्लास के लिए निकल रही थी जब जमाल है। से बोला हाय के लहजे में सर पान दड़ाया था क्या हुआ इतनी अजनबी क्यों हो रही हो तो मेरे अपने काम थे और अगर थे तो मेरे नाकाम में तो मीर के नकामे शरीक क्यों हुए ये जानते हुए भी कि हाउ मच आई लव हिम वो रोना नहीं चाहती थी मगर जैसे जब का इजारा नहीं रहा जिस दिन उसे सच्चाई मालूम हुई थी वो खुद को बड़ी मुश्किल से संभाल पाई थी और अब जमाल को देखकर फिर बिखर गए सारा आई एम सॉरी मगर मेरी पोजीशन समझो मैं उसका वाह दोस्त हूँ कैसे साथ ना देता उसका जमाल उसे रोके खड़ा था समझा रहा था मगर वो कुछ सुनने को तैयार ना हुई जमाल अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो ना तो आइंदा मेरे रास्ते में मत आना सारा उसे वार्निंग देती हुए आगे निकल गई मुंडा डाल सा पिल्लर के सहारे लगा उसके और सारा के दरमियान दूरिया तय थी शायद कहते हैं मियाँ बीवी का रिश्ता हून का नहीं होता इसलिए इस रिश्ते में एहसास कम होता है हैदो को भी नाच का एहसास नहीं हुआ था मगर मिशर तो उसका हून थी उसकी बेटी वो चाक का भी खुद को रोक नहीं पा रहे थे मसलसल उसकी फिक्र उन्हें खाए जा रहे थे पता नहीं उसने मेरी बेटी को कैसे ट्रेप का लिया किस हाल में रखा होगा उसे मिशर कैसे उसकी बातों में आगे जी बीबी जी बस मैं अभी लाई मुलाजमा को मेरी किस हदायत थी कि मिशर के किसी काम में देना हो सब उसका ही तो था मैं तुम्हें आराम से नहीं रहने दूंगी मीर जो आग मेरे बाबा के सीने में तुमने लगाई थी उसे मैं तुम्हें बीच जलाऊंगी वो असम होकर बैठ से उतरे वो शाम तो में घर आया तो मुलाजा मुझे साफ बताया चलो शुक्र है वो नॉर्मल हो रही मी को खुशी हुई कि मीशा ने उसे अपना घर समझना शुरू कर दिया वो जल्दी से ऊपर कमरे की तरफ गया ताकि दुश्मन जान को देखे तंग करे उसकी बात सुने और खूब सन से शाहबाज अच्छी बीवियां ऐसे शोर के आने पर सजती सवार मीन उसे बाटल ग्रीन लंबी कमीज और ऊंचे पजामे में तैयार देखा तो नहा हो गया यह सब मैंने अपने लिए किया मुझ है उसने मुँह हाय खुद गर्ज हसीना सिर्फ अपने लिए जीना तुम मेरे हाथ के बल बेड पर गिरा उसकी अदाओं को बलाई लेने लगा आज मुझे अपना एक्स बॉयफ्रेंड याद आ रहा है मीशर उसे जलाना शुरू किया ओ अच्छा फिर मीर इंतहा चिल था जैसे उसे फर्क नहीं पड़ रहा था मैं बॉयफ्रेंड की बात कर रही हूँ पता है क्या होता है तन का बोली नहीं मुझे नहीं पता एक्चुअली मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है सब गर्ल फ्रेंड्स हैं मीन ने मुझुमे से कहा वाट मीशा पलट कर उसकी तरफ आई कितनी गर्द फ्रेंड्स है कौन चुड़ेले हैं आदमी ये कपड़े उन्हीं के लटकाए थे ना अलमारी में और मुझे पहना दिए उसको काले से पकड़कर का, बिल्कुल उसके मुंह के करीब चला थे एक ही चुड़ैल थी बस फिर उसको बीवी बना लिया मीनू से कमर से पका लिया मीछा उसका मजाक समझ के थी छोड़े मुझे फराट एकदम वो अपना आप छुड़वाने लगी ऐसे कैसे छोड़ दो मेरी जान मीन उसके कान की चुमा सनसनाहट सी उसके डगो पे में दौड़ रहे थे बहुत छुरी तले जा गिरी थी अब कैसे बचाती जाती हो मी ने उसे थामे थामे लाइट्स ऑफ की और उसके नाजुक लब्बों को मजदीद कुछ भी कहने से रोक दिया उसका फोन मुस्तकिल बज रहा था वो मीशर को पीछे सो रहा था जब उसकी आंख खुली रात के दो बजे थे अल्लाह हैर करे जावर भाई उसे जल्दी से फोन पे किया हेलो हेलो मीर जल्दी से मीशो को लेकर घर आ जाओ अम्मा की हालत ठीक नहीं जावर की आवाज़ लज रही थी मैं अभी आ रहा हूँ मीर ने फौरन ताबादारी से कहा था मिशेल उसकी आवाज सुनकर उठ चुके थी क्या हुआ उसे लग रहा था कुछ गलत होने वाला है तुम्हारे दादो की तबीयत ठीक नहीं है सब मेरी वजह से हुआ अमेरिका और रूस की जंग भी मैंने ही करवाई है अब चलो उसे मिशेल को बुरी तरह लताड़ा दादी को डॉक्टर्स ने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ था मिशेल को उसका ड्रॉप करके जावर के हटाब पर हस्पताल पहुंचा था मी ने अपने कर, सारे काम आते लिए थे बीजो ताप खा रहा था था हावर मी के दम कदम घर में सारी खातन दुआई और तस्वीर के अमल में मसरू थे सारा ने ही तस्वीर बरती मिशा को देखा उसका चेहरा सारी कहानी सुना रहा था वह रश से भतीजी को देखी थी अगर मिशा की जगह कोई और लड़की होती तो शायद सारा की जलन होती मगर मुकाबल अपना ही हूं था वह सिर्फ रश कर सके मिशा की नजरें सारा से टकराए तो वो नजर चुरा गई उसे बेहद शरम आई सारी रात अस्पताल में गुजरी थी यावर مسلسل लैला से रब्ते में था फ़ज़र के बाद चावल की तरफ से तसल्ली पक्ष काल रसीव हुई थी अम्मा को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा लैला स्मिथ साहब ने सों का सांस लिया था चलो तुम सब आराम कर लो अब या पहले नाश्ता लगवा दूं लाला ने सारा हया मीशा को देखते हुए पूछा जो लॉन्च में सोफे पर नींद रहा थी नहीं भाभी बेगम थोड़ी देर सोंगी रात पैर की जागी हुई हूँ मीशा ने जमाई रोकते हुए कहा रात बार क्यों हया ने अपनी नांदाजगी में जवाब दिया था लाला ने गुड़ का हया को देखा जबकि मीशा का चेहरा गुलाबी हुआ वो ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी मीशा ने जल्दी से कहा और जाऊ से बाहर निकल गई मुबादा कोई और सवाल कर बैठे खाने की टेबल पर सब मौजूद है सवाई है और उसकी वजाहत की किसी को जरूरत ना थी कि वो क्यों नहीं थे मीर ने बहुत चाहा कि वो वापस चला जाए का, तो का लिया था कि वह शाम में उसे वापस घर ले जाएगा शाम के हो रहे थे मिशल मीर मिशर के कमरे में दाखिल हुआ तो वह नमाज पर बैठी हुई थी मीर को वो कोई मासूम सी बच्ची लगी सफेद कपड़ों में हिल हिलकर अल्लाह से अपनी पसंद की गुड़िया मांगती हुई मीर जाकर बैबा बैठ गया उसे मीर की मौजूदगी महसूस कर जब भी दुआओं का सिलसिला तवील हो गया था मीर का सब जवाब देने लगा मिल तो क्या हूं मैं और क्या चाहिए अब उसने बदशासत से कहा आपसे नजात मीर को समझ न आई सिगर के कश में ज्यादा करवाहार थी या उसके जुमले में मीर अंदर के अंदर कहीं कुछ बूढ़ता से टूटा था मीशो का एहसास हुआ कि मीर खामोश हुआ है और कमरे में सन्नाटा बढ़ रहा है उसने अचानक मुड़कर पीछे देखा मीर की आंखें शुरू थी मीशा को लगा जैसे कुछ गलत हुआ है मीर ने उसकी आंखों में देखा आज से तुम आजाद हो वो लंबे डग पड़ता व कमरा पार कर गया और मीशा ने रोते हुए सड़क कुट्टू में दे दिया वो दोनों लॉन्न में बैठे हुए किसी अहम मौजू पर बात कर रहे थे जब मीर ने उसे लॉन में आते हुआ देखा हावर लिखा बड़े अब्बू कह रहे हैं आ जाए खाना लग गया उसे आते ही हाबर पहुंचाई अरे गुड़िया वालेकुम सलाम हावर भी अपने नाम का आई था मी के होंठों पर मुस्कुराट फैली मिशल बुजन से गड़बड़ा गया सब भी एक जैसी हैं उसने दिल में सोचा सॉरी अस्सलाम वालेकुम का उसने फौरन सलाम किया अब आ जाए अंदर हाँ भाई चलो आ जाओ मीर नहीं तुम जाओ वैसे भी बड़े अबू ने सिर्फ तुम्हें बुलाया मी ने चोट की क्या वाकई ऐसा है मिशल हावर ने हैरानी से पूछा नहीं उन्हें भी बुलवाया है वो फिर पसर रही थी उन्हें किने हावड़ कहाँ बास आने वाला था अरे इन्हें मीशा बुरी तरह से जिद छोड़ी थी हावर उसका सगा चाचा था और फिर उसकी शादी भी इस तरह हुई थी कि झिझक बुरी तरह से गलत थी वो चाह कर भी उसके आगे मीर का नाम नहीं ले पा रहे थे मी ने उसकी झिझक महसूस की बस करो हावड़ मीर अपनी जगह से खड़ा हुआ और मीशा को अचानक उसका वजूद गनीमत लगा तुम चलो हम आ रही हैं मी उसकी तरफ़ देखते हुए कहा गोया उसकी जान बचाई वो फौरन अंदर की तरफ दौड़ी हावर ने पलट कर मी को मोहब्बत बड़ी नजरों से देखा मी भी जबर मुस्काया और दोनों अंदर की तरफ बढ़ गया वो दादा के कमरे में आया था उसे कर से एक बार फिर वैशित धुए थे उनसे मिलकर फौरन निकल जाना चाहता था वो कमरे में दाल हुआ तो अम्मा सो रही थी मीनू ने जगाना मुनासिब नहीं समझा उनके हाथों का बोसा लेकर पलटा तो पीछे सारा कर दिया क्या हुआ मीर सारा के ला में फिक्रमंदी थी वो बुरी तरह से टूटा हुआ लग रहा था कुछ नहीं बस घर वापस जा रहा हूँ एक जरूरी मीटिंग आ गई है लाहौर जाना पड़ेगा सोचा अम्मा से मिलकर जाऊं उसे जल्दी से तफसील दे आंखों को क्या हुआ मोहब्बत करने वालों का सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि वो अपने महबूब की अन कहीं बातें सुन लेती हैं उनके कदमों की आहट पहचान लेती हैं और उनकी आंखों को पार लेती हैं सारा भी इसी अलमिया से दो चार थी कुछ नहीं शायद नींद पूरी नहीं हुई मी ने आंखों का को मसला कोई और थकन है मीर सारा ने आगे बढ़कर उसके कंधे हाँ हाँ पर हाथ रखा दरवाजे के अक्क में खड़ी मिशर अपनी जगह पर ठहर गए मीर ने सारा के हाथ पर हाथ रखा जानती हो सारा जब मिशा मेरी नाक कदरी करती है ना तो मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी ना नाक कतरी करके बहुत किया हम दोनों पर का सा लगा था उसका दिल चाह अंदर जाकर इन दोनों को रंगे हाथों पकड़े वो गुस्से में दुख में थी वो फौरन के कमरे की तरफ बाकी पूरी बात सुने बिना सारा ने मीर को देखा उसकी आंखें नम थी सारा ने उसे कभी रोते नहीं देखा था उसे एक बार फिर मिशर पर रश्क हुआ वो कितनी कीमती थी कि मीर जैसा मर्द उसके ये आंसू बहा रहा था मगर सारा मुझे उससे भी ज्यादा दुख तब होता है जब तुम जमाल की नाकदरी करती हो तुम मीर मत बनो सारा और नाव से सारा बने दो आगे बढ़ो वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा जो लोग मोहब्बत करते हैं ना उनके बदले में मोहब्बत ही देनी चाहिए वरना इस दुनिया में सिर्फ नफरती पनपती रहेगी सारा की आंखों से मसलसल आंसू बह रहे थे मीर की बातें उसने हमेशा इतनी गौर से सुनी थी और हाँ वो जाते जाते रुका मैं अपनी अमानत जहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ वो अभी मुझसे बदगुमान है नफरत करती है मगर मुझे यकीन है उसे जल्द एहसास होगा उसके मामले में मैं तुम बात सबसे ज्यादा यकीन करता हूँ सारा उसका ख्याल रखना सारा ने इस बात में तरफ बढ़ गया था वो एक घंटे बाद यह शहर छोड़ रहा था इस बात से बेहबर के मिशन ने उसे हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया था वो रोते हुए हैदक के कमरे में आती है किसी फोन पर बात कर रहे थे उनसे भी लिपट गए हैदर बुरी से घबरा के मिशन बच्चों की तरह रो रहे थे उनकी बेटी उनकी कुल कायनात वो कैसे ना नामोम होते मेरी जान क्या हुआ हैदर ने उसको खुद से लिपटाए हुए पुचकारा बाबा बाबा मुझे माफ़ कर दें प्लीज़ वो पूरी तरह से रोड़ दिया तुमने बहुत जुलम किया मिशल हैदर ने दुख से कहा बाबा आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी बस आप मुझे माफ़ कर दे आपके अलावा मेरा कोई नहीं है यहाँ बाबा वही चूँकि जरत में थी हैदर का दिल शदीद दुख में था उन्हें उसे बैठ पर बिठाया मीर को छोड़ दो मिशल ठीक है बाबा हैदर ने उसे बीच का गले से लगाया